हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसडी फूड वर्ल्ड में। नॉर्मल कॉफ़ी तो यूजुअली हम घर पे बनाते ही रहते हैं, सबको बहुत ही पसंद होती है कॉफ़ी। बट सीसीडी वाली कॉफ़ी जो स्पेशल कॉफ़ी है, जिसमें क्रीमीपन आता है, वो हम घर पे नहीं बना पाते, बहुत मुश्किल लगता है हमें। तो एक ट्रिक मुझे किसी ने बताई थी इसे बनाने की, तो आज मैं वही ट्राई करने वाली हूँ। मैं भी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा कि कॉफ़ी बनती है या नहीं। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। इसे बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए मेन इंग्रेडिएंट कॉफ़ी। कोई भी कॉफ़ी ले सकते हैं आप, स्ट्रॉन्ग। मैंने यहाँ पे नेस्कैफे की कॉफ़ी ली है और मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 2 टीस्पून, जो खाने वाले टीस्पून हैं जिससे हम खाना खाते हैं वो वाले 2 चम्मच, और साथ ही ऐड करूँगी 4 चम्मच चीनी। ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनेगी। अगर आप माइल्ड कॉफ़ी चाहते हैं तो आप इसमें 1:3 की रेशियो लीजिएगा, मतलब 1 टीस्पून कॉफ़ी का और 3 टीस्पून शुगर का। इसे हमें करना है मिक्सी जार में ब्लेंड। यूजुअली सबके घर में ब्लेंडर नहीं होता, मिल्क फ्रॉथर नहीं होता, तो वो उससे भी आप अच्छे से बीट कर सकते हैं, पर ये सबसे इजी तरीका मुझे लगा जो मुझे किसी ने ट्रिक बताई थी। तो इससे मैं एक बार ब्लेंड करके देखती हूँ ये ब्लेंड अच्छे से होता है या नहीं। तो इसे ब्लेंड करना है पल्स पे, यानी रुक रुक कर। इस तरीके से, ताकि जो मिक्सी जार है वो गर्म ना हो और ये जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाए। जो शुगर और कॉफ़ी का पाउडर है वो अच्छे से ब्लेंड हो चुका है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी छोटे से क्यूब्स, 5-6 के करीब, और फिर पल्स पे ही ब्लेंड करूँगी। कॉफ़ी नहीं बनती थी, ये क्रीमी कॉफ़ी पहले भी बनती थी, बट बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग था। इसे हाथ से फेंटा जाता था घंटों, और उसके बाद ये तैयार होती थी। मेरी मम्मी बताती है कि हम तो इसे बहुत देर तक हाथ से ही फेंटते थे, ताकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रीमीपन आ जाए और उसके बाद पीने का मज़ा डबल हो जाए। पर ये मिक्सी जार वाला जो तरीका है वो मुझे बहुत आसान सा लग रहा है, तो अभी तो ये बिल्कुल सही लग रहा है। मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप भी देख पाएँ कि ये जो ट्रिक है ये काम करती है या नहीं। सीसीडी कॉफ़ी पीनी है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं है, पर ट्रिक तो बहुत ही आसान लग रही है। इसे पल्स पे ही ब्लेंड करते रहना है। एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आ चुका है। एक दो बारी और मैं पल्स पे इसे ब्लेंड कर लेती हूँ। बर्फ इसमें ज़्यादा भी ऐड नहीं करनी, नहीं तो ये जो क्रीमी टेक्सचर आ रहा है वो नहीं आ पाएगा, ये पानी सा हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया लग रहा है ये, तो मुझे तो लग रहा है ये ट्रिक बिल्कुल कामयाब है। इसकी कॉफ़ी बना के देखते हैं। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक बार इसको स्टोर करने का तरीका भी बता देती हूँ। तो ये जो क्रीमी सा मिक्सचर है ना, आप इसे आराम से हफ्ते तक फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, किसी भी ऐसे ग्लास कंटेनर में, और जब मन चाहा निकाला और सीसीडी वाली कॉफ़ी एंजॉय करी। अब बना लेते हैं कॉफ़ी। इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जो हमने ये मिक्सचर रेडी किया था, जितना स्ट्रॉन्ग हमें चाहिए, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो एक ग्लास बड़ा है, मैंने 1.5 के करीब मिक्सचर ऐड किया है, और साथ ही डालेंगे गर्मा गर्म बिल्कुल दूध ऊपर से ऐड करेंगे, ताकि फ्रॉथ अच्छे से बन जाए। लुक के लिए मैं ऊपर से यही वाला मिक्सचर ऐड कर रही हूँ। तो तैयार है हमारी सीसीडी वाली क्रीमी सी ये कॉफ़ी। देख सकते हैं ये कितनी क्रीमी है।
तो क्यों बाहर से इस कॉफी पे पैसे वेस्ट करने, जब आप घर पे इतनी आसानी से ये कॉफी बना सकते हैं। आप कॉफी को डेकोरेट करने के लिए ये कोको पाउडर, ड्रिंकिंग चॉकलेट भी यूज कर सकते हैं, और इस तरीके की छन्नी बस इसके ऊपर डालना है और इसको हल्का सा ऐसे सीव करना है। तो सीसीडी वाली ये क्रीमी कॉफी बनाने का ये ट्रिक तो काम कर गया। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि आपकी कॉफी बनी या नहीं। मैं मिलूंगी ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स या फिर कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।